चकेरी थाना क्षेत्र जाजमऊ चौकी पुलिस को दबंग दे रहे खुली चुनौती। बीएसएनएल की कैनोपी लगाए लड़के के साथ दबंगों ने गाली गलौज करते हुए की मारपीट। कैनोपी लगाए लड़कों का आरोप, दबंग लड़कों ने उसके बैग में रखे लगभग 8,000 रुपए भी छीने। पीड़ित लड़के के अनुसार बीएसएनएल की सिम को फेक बताकर दबंगों ने की उसके साथ मारपीट। सूचना मिलने पर जाजमऊ चौकी पुलिस ने पीड़ित को दबंगों के खिलाफ कार्यवाही करने का दिया आश्वासन। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है? नाम इनायत आलम है। मैं यहाँ पे कैनोपी लगाए थे बीएसएनएल की। सामने से दो लोग आए, मुझसे पूछा उन्होंने कि सिम कौन सा। मैंने स्कीम बताया। स्कीम बताने के बाद उन्होंने गालियां निकलने बोलने लगे कि सिम ये नकली है, नेटवर्क में नहीं आता। मैंने भाई बोला भाई पागल आ गए क्या, गालियां क्यों बक रहे हो। तो जियो वाला भी था, उसने कहा भाई ना बोलो, इसमें एक जियो भी अगर बोलोगे तो तुम्हारी गलती हो जाएगी। हमने नहीं बोला भाई, इसमें दो घंटा मुझे मारे सामने वाले ने। उसके बाद भी नहीं बोला, अभी पता नहीं। इसमें एक और बुलाया, बुलाने के बाद मुझे गाली पर काम मारने लगे। तीन लोग मुझे मारी ने, मेरे 8,000 रुपए उसने रखे थे, उसने पैसे मेरे छिनाने के बाद। थोड़ी देर बाद कहते मेरे भाई आया, मेरे भाई को भी उसने मारा, भाई छुड़ा रहा था छुड़ाने। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सोचना थी, मैंने 112 पे कॉल किया तीन बार, तीनों बार एक बार फोन नहीं लगा। तीन चार चक्कर में मेरा भाई अभी तक चौकी गया, चौकी से भी अभी तक कोई नहीं आया। पता नहीं वहाँ पर रिपोर्ट भी क्या हो रहा है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुँचा सके हम सबसे पहले।